Hello friends, welcome to my YouTube channel CSE Tutorials. So C language सीखने की इस सीरीज में आज हम यहाँ पर बात करेंगे loops in C. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम लूप क्या होते हैं सी में और कितने टाइप के होते हैं इनको कंप्लीट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम प्रोग्रामिंग की सहायता से इसमें प्रोग्राम भी लिखेंगे जिसकी सहायता से हम यहाँ पर लूप के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली लूप क्या होते हैं. अगर हम यहाँ पर लूप्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लूप क्या होता है. हम बेसिकली लूपिंग वर्ड के बारे में बात करें कि लूपिंग क्या होता है. हम कह सकते हैं कि रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, अगर हमें कोई चीज हो या फिर कोई कोड हो या कोई टास्क हो उसे हमें बार बार रिपीट करते हैं तो उसको हम लूपिंग बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर लूप का कॉन्सेप्ट है ये हमें इसी काम के लिए यहाँ पर आया है कि हमें कोई सेम कोड होता है या फिर कोई सेम टास्क है उसको हमें बार बार रिपीट करवाना है तो हम यहाँ पर लूप की सहायता से ये सी में हम यहाँ पर कर सकते हैं. हम बात करते हैं बेसिकली कि लूप का यूज हम क्यों करते हैं. ठीक है, अभी हमने पहला यहाँ पर बात किया कि अगर हमें किसी भी टास्क को या किसी भी कोड को अगर हमें बार बार रिपीट करना है तो हम यहाँ पर लूप्स का यूज करते हैं. सेकंड, हम यहाँ पर अगर हमें किसी भी जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग हो या फिर एरे है इनको अगर हमें ट्रेवर्स करना है तो हम यहाँ पर लूप की सहायता से इनको ट्रेवर्स कर सकते हैं. हमने यहाँ पर स्ट्रिंग है एरे है ये भी पढ़ा नहीं है, इनको हम आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनको हमें ट्रेवर्स करना है तो हम वो लूप की सहायता से कर सकते हैं. जैसे कोई स्ट्रिंग मैं यहाँ पर लेता हूँ, लेट्स से सी एस ई ट्यूटोरियल्स. ठीक है, इसमें कैरेक्टर्स है सी एस ई, तो इनको हमें वन बाई अगर ट्रेवर्स करना है वन बाई वन तो ये हम लूप की सहायता से इजिली कर सकते हैं. जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे आगे, जब हम एरे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लूप का यूज हम इनको ट्रेवर्स करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं. अब हम बात करते हैं कि बेसिकली लूप के टाइप कितने होते हैं. अगर हम टाइप्स की बात करें हम सी लैंग्वेज में अगर, तो लूप्स के यहाँ पर तीन टाइप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. पहला है फॉर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप और थर्ड है यहाँ पर डू व्हाइल लूप. ठीक है, इन तीनों टाइप को हम वन बाय वन वीडियोज में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर लूप के बारे में. ठीक है, हम पहले बात करते हैं कि जैसे हमने लूप वर्ड का यहाँ पर यूज किया है अभी, तो जैसे हमने देखा कि किसी भी चीज को हमें बार बार रिपीट करवाना है तो वो हम लूप का यूज करके करते हैं. अगर मैं यहाँ पर अपना नोट पैड ओपन करके आपको बताना चाहूँ, जैसे मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, लेट्स से प्रिंट सी एस ई ट्यूटोरियल्स. मैंने यहाँ पर क्या किया, चैनल का नाम यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है. अब अगर मैं और यहाँ पर मैं रिटर्न जीरो कर देता हूँ, अगर मैं इस कोड को यहाँ पर मैं रन करवाऊंगा तो ये सिंपल यहाँ पर हमें प्रिंट कर देगा सी एस ई ट्यूटोरियल्स. ठीक है, अगर मैं इस कोड को एक बार रन करवा के इसका आउटपुट में चेक करता हूँ यहाँ पर फॉर लूप, यहाँ पर ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा. कंपाइल होने के बाद इसको हम यहाँ पर रन करवाएंगे तो इसका आउटपुट देखेंगे, ये सिंपल यहाँ पर प्रिंट करेगा सी एस ई ट्यूटोरियल्स. ठीक है, अगर मैं एक बार इसको यहाँ पर रन करवा के इसका आउटपुट देखता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे ये सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर रहा है सी एस ई ट्यूटोरियल्स. ठीक है, बट हमें लेट से इस सेम लाइन को हमें बार बार पांच बार प्रिंट करवाना है तो हमें क्या करना होगा, या तो हम इसको पांच बार लिखेंगे. ठीक है, या तो हम इसको पांच बार लिखेंगे या फिर हम फॉर लूप का यूज करेंगे या किसी भी लूप का यूज करेंगे. जैसे मुझे इसको लेट से फाइव टाइम्स यहाँ पर मुझे लिखना है तो मैं पांच बार अगर इसको यहाँ पर लिख के और यहाँ पर इस कोड को मैं रन करवाऊंगा तो ये यहाँ पर हमें इसको पांच बार प्रिंट कर देगा. बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं, सेम चीज को हम बार बार लिख रहे हैं. ठीक है, एक तो एक कोड को लेंदी बना रहा है और हमारा जो एफर्ट है बार टाइम है जो कंज्यूम हो रहा है. हम इसको लूपिंग की सहायता से हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करवा सकते हैं. अभी हमने देखा था कि लूप का यूज हम किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करवाने के लिए यहाँ पर लूप का यूज करते हैं. हम इसको पांच बार, दस बार या पचास बार, कितनी भी बार इसको हमें अगर रिपीट करवाना है
तो हम लूप की सहायता से इसको इजीली वन और टू लाइंस में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे अगर इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को अगर मुझे 5 times यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाना था, तो मैं इसको लूप का यूज करके यहाँ पर इजीली करवा सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर फोर लूप का यूज कर रहा हूँ, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा नहीं है, वो अभी हम जस्ट यहाँ पर देखेंगे इसका सिंटैक्स। तो पहले इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं, वरना यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो पहले इसका मैं अगर सिंटैक्स की बात कर लेता हूँ, फोर लूप के सिंटैक्स के बारे में, अगर यहाँ पर हम फोर लूप के सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं, सो बेसिकली इसका जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पर फोर एक कीवर्ड होता है, ठीक है, ये सारा स्मॉल स्मॉल लेटर्स में है फोर, और यहाँ पर सबसे पहले कह सकते हैं स्टेटमेंट वन होता है, ठीक है, फिर सेमी कॉलन स्टेटमेंट टू और सेमी कॉलन स्टेटमेंट थ्री, ठीक है, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो हमें बार बार रिपीट करवाना है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट वन की बात करें तो बेसिकली ये होता है यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। ये अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से इसको समझेंगे। जो स्टेटमेंट टू होता है वो ऊपर यहाँ पर होता है कंडीशन। हमने अभी देखा था कि किसी भी कोड को या किसी भी टास्क को कितनी बार रन करवाना है, तो हमें एक कंडीशन चाहिए जो ये डिसाइड करेगी कि उस कोड को कितनी बार रन करवाना है, अदरवाइज हमारा कोड इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा। सो वो कंडीशंस हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और थर्ड जो सेमीकॉलन लगा के यहाँ पर हम करेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, किसी भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है डिक्रीज करना। सो ये यहाँ का बेसिक सिंटैक्स है, तो इसको हम प्रोग्राम की सहायता से और अच्छे से समझेंगे जब हम यहाँ पर इसका भी प्रोग्राम लिखेंगे, तो यहाँ पर अच्छे से आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और इसका प्रोग्राम यहाँ पर हम लिखते हैं फोर लूप का। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि अगर हमें जो ये एक लाइन है सी एस सी ट्यूटोरियल्स को लेट से 5 times हमें प्रिंट करवाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सो अभी हमने देखा था कि फोर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर फोर, और यहाँ पर सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉलन लगा सेमी कॉलन लगा के यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करते हैं, और फिर सेमी कॉलन लगा के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ये अभी हमने यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखा था। सो सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना है, तो किसी भी वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना है, सो हमें एक वेरिएबल की यहाँ पर जरूरत होगी, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट से आए, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन में हमें इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना इनिशियलाइजेशन होता है। सो यहाँ पर मैं इसको इसमें 0 असाइन कर देता हूँ, मतलब कि i = 0, मैं i को इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में, सेमी कॉलन लगा के यहाँ पर हमें देना होता है कंडीशन। सो अब ये कंडीशन यहाँ पर डिसाइड करेगी कि हमें जो भी कोड या टास्क है वो हमें मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवाना है, वो कितने टाइम्स तक एग्जीक्यूट करवाना है। सो यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, जैसे लेट से हमें अभी जो सी एस सी ट्यूटोरियल्स है वो 5 times हमें प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पर 5 प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ये कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा 0 से लेके और लेस देन 5 तक, आई की वैल्यू लेस देन 5 तक हो जाएगी, तब तक ये एग्जीक्यूट करते जाएगा, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यहाँ पर हम आई को हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, तो अभी आई की वैल्यू 0 है, तो हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, तब तक ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, तब तक ये कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म करवाना है, वो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं। लेट्स से हमें सी एस सी ट्यूटोरियल्स प्रिंट करवाना है 5 times, तो ये सिंपल सा कोड हो गया जो क्या करेगा, यहाँ पर सी एस सी ट्यूटोरियल्स को 5 times यहाँ पर प्रिंट कर देगा। सो पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं, फिर यहाँ पर समझेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। सो इसका आउटपुट मैं सिंपल यहाँ पर इसको कंपाइल करवाऊंगा और अब इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 5 times सी एस सी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। इससे पहले हमने प्रिंट किया था 5 times, तो हमने क्या किया था, इसको 5 प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज किया था। अब हमें लेट से इसको 10 प्रिंट करवाना है, तो हमें 10 इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करेगा,
करना पड़ेगा अगर हम विदाउट लूप के इसको करना है हमें तो। बट यहाँ पर सिंपल है, लूप्स में आपको सिंपल यहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड करना है कि आपको कितने टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करवाना है। मैं यहाँ पर 10 प्रोवाइड कर सकता हूँ या 500 प्रोवाइड कर सकता हूँ, कुछ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो इतने टाइम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 टाइम्स इसने CSE ट्यूटोरियल्स यहाँ पर प्रिंट कर दिए। सो बेसिकली लूप का यही काम होता है कि किसी भी कोड को बार बार यूज करना होता है तो हम वो लूप का यूज करके कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगा के कंडीशन होती है, और फिर सेमीकोलन लगा के यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। सो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसने क्या किया, आई एक वेरिएबल बनाया, फिर आई में इसने यहाँ पर 0 असाइन किया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हुआ। इसके बाद ये चेक करता है कंडीशन को कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर का जो कोड होगा उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, आगे का कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा। सो यहाँ पर सबसे पहले आई में 0 है जो हमने इनिशियलाइज किया है, फिर यहाँ पर इसने चेक किया कि आई की वैल्यू 10 से लेस देन है, 0 है जो 10 से लेस देन है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये यहाँ पर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये आई में एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट है जो बाद में होता है, ठीक है। सो कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई में एक इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। सो अगेन अब आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर ये यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन को, 1 है जो 10 से लेस देन है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसको प्रिंट करेगा सेकेंड टाइम, फिर अगेन ये आई में इंक्रीमेंट करेगा, तब तक ये इंक्रीमेंट करते हुए इसको प्रिंट करता जाएगा तब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो जैसे हमें लेट से टेबल लिखना है 1 या 2, किसी भी नंबर्स की हमें टेबल लिखना है, तो ये हम फॉर लूप की सहायता से इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमें लेट से 1 की टेबल हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, आई में 1 असाइन कर देंगे, ठीक है, और इसको आई लेस देन इक्वल्स 10 कंडीशन यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे और सिंपल यहाँ पर मैं आई की वैल्यू यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, परसेंटाइल डी और आई को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। सो अब ये क्या करेगा, आई में सबसे पहले 1 है तो ये यहाँ पर चेक करेगा कि 1 है जो 10 से लेस देन है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर 1 प्रिंट कर देगा, फिर ये आई में इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये चेक करेगा कंडीशन को, 2 है जो लेस देन 10 है, तो ये वापस यहाँ पर 2 प्रिंट कर देगा, इसी तरीके से ये 10 टाइम्स इसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। सो अगर मैं इसका आउटपुट यहाँ पर चेक करना चाहूँ तो इसको मैं कंपाइल करवा के इसका आउटपुट देखूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर 1 की टेबल यहाँ पर इसने लिख दी है, ठीक। सो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि फॉर लूप वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक करता है, उसके बाद जो कोड है फॉर ब्लॉक के अंदर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर ये आई में इंक्रीमेंट करता है। सो आई में इंक्रीमेंट है जो बाद में होता है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस हम जो लिख रहे हैं ये यहाँ ना लिख के हम इस कोड के बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट है जो कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद में ही होता है। तो या तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं या फिर इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा या कोई एरर नहीं आएगा, जो कोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर विदाउट एनी एरर्स के यहाँ पर अभी भी ये रन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोड यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो आई को हम यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यू इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर आई इक्वल्स 1, ये भी कंपलसरी नहीं है, इसको भी यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, हम आई में इनिशियलाइजेशन यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्टली। बेसिकली हमें आई में कोई वैल्यू असाइन करनी है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं आई को इनिशियलाइज, या फिर हम यहाँ पर आई को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो जो पहली कंडीशन है और सेकेंड कंडीशन है ये दोनों कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पर इनको डिफाइन करें, ठीक है। I++ को आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी ये कोड यहाँ पर प्रॉपर वर्क करेगा, हमने इनिशियलाइजेशन है जो यहाँ ना करके हमने यहाँ पर किया है और इंक्रीमेंट है जो यहाँ ना करके हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। बट आपको सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, ठीक है, सेमी कॉलन को आप रिमूव नहीं कर सकते। सो अगर मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पर इस कोड को मैं रन करवा के देखता हूँ तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है
और ये एक प्रोग्राम है जो विदाउट एनी एरर्स के यहाँ पर अभी भी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये जो पहली और थर्ड कंडीशंस हैं, ये जरूरी नहीं है कि इनको आप यहीं पे डिफाइन करें, ठीक है। इनिशियलाइजेशन आप पहले भी कर सकते हैं और इस कंडीशन को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि लेट से हम यूजर से एक नंबर लेते हैं कोई भी, ठीक है, रेंडमली कोई एक नंबर लेंगे, उसकी टेबल हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, आई एक वेरिएबल मैंने लिया और एक नंबर यूजर से हम इनपुट लेंगे, लेट से वो एन में हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर हमें स्कैन करवाना है, तो यहाँ पर मैसेज करेंगे, पहले उसको मैसेज शो करवाएंगे, एंटर ए नंबर, ठीक है। तो इसके बाद यूजर एक नंबर एंटर करेगा, उसको हमें स्कैन करवाना है और स्कैन करवाने के लिए यहाँ पर हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे और हमें इंटीजर नंबर यूजर से स्कैन करवाना है तो परसेंटाइल डी यूज करके उसको एन में हम यहाँ पर स्टोर करवा देंगे, ठीक है। सो अब यूजर से हमने एक नंबर स्कैन करवा लिया है, अब हम चाहते हैं कि जो रैंडमली हम एक नंबर एंटर करेंगे उसकी टेबल हमें प्रिंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी मैं इनिशियलाइजेशन करता हूँ, लेट से आई इक्वल्स वन, ठीक है, और i लेस देन इक्वल 10, ये कंडीशन हमारी रहेगी। अब मैं क्या करना है, जैसे कोई भी एक नंबर हमें यूजर एंटर करेगा उसकी टेबल प्रिंट करवाना है, सो मैं यहाँ पर n मल्टीप्लाई i लिखूंगा, ठीक है। जैसे यूजर ने लेट से 2 एंटर किया तो यहाँ पर n में 2 स्टोर हो जाएगा और i की वैल्यू 1 है तो ये अंदर आएगा प्रिंट एफ में, तो ये क्या करेगा यहाँ पर 2 × 1 प्रिंट करेगा जो कि 2 के इक्वल्स है। फिर i में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, फिर से प्रिंट एफ में जाएगा तो अब की बार i की वैल्यू 2 हो चुकी है तो 2 × 2 ये 4 प्रिंट करेगा और इसी तरीके से यहाँ पर जो भी n में वैल्यू होगी उसकी टेबल यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। सो अगर मैं इसको यहाँ पर कंपाइल करवा के अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है एंटर ए नंबर, लेट से मैंने यहाँ पर 2 एंटर किया तो आप देख सकते हैं इसने 2 की टेबल यहाँ पर प्रिंट कर दी है। इसी तरीके से आप कितना भी बड़ा नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेट से मैं 26 देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 की टेबल इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो ये वर्क कैसे कर रहा है, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। सो इस वीडियो में हमने जो लूप का पहला टाइप है फोर लूप वो यहाँ पर डिस्कस किया है, अभी हम ने यहाँ पर कोडिंग की सहायता से इसको अच्छे से समझ लिया है। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या होता है। कई बार यहाँ पर हमें फ्लो चार्ट, जैसे अगर आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर फ्लो चार्ट के बारे में भी यहाँ पर ये पूछ लेता है, किसी भी लूप का फ्लो चार्ट यहाँ पर आपको बनवा सकता है। सो यहाँ पर फाइनली हम जो फोर लूप का फ्लो चार्ट है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, फ्लो चार्ट ऑफ फोर लूप। बेसिकली फोर लूप वर्क कैसे करता है ये हम एक चार्ट की सहायता से यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इनिशियलाइजेशन करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा उसके बाद कंडीशन हम डिफाइन करते हैं, कोई भी कंडीशन जो कि डिसाइड करती है कि वो लूप कितने टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करेंगे तो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, जो भी कोड होगा जो हमें रन करवाना है उस कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा और कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट करता है या फिर वो डिक्रीमेंट करेगा। हमने देखा था कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद में होता है और इंक्रीमेंट होने के बाद अगेन वो कंडीशन चेक करेगा और इसी तरीके से ये लूप चलता जाएगा तब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड को एग्जीक्यूट करेगा और इंक्रीमेंट करके अगेन वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, ये चलता जाएगा तब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये सिंपल यहाँ पर फोर लूप से बाहर आ जाएगा और फोर लूप के बाद का जो कोड है उसको यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर देगा, कोड आफ्टर फोर लूप, ठीक है। सो इसका सिंपल सा फ्लो चार्ट है, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो कोड को रन करके और इंक्रीमेंट करके वापस से कंडीशन चेक करेगा, ये चलता जाएगा तब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी और फॉल्स हो जाएगी तो डायरेक्टली फोर लूप से
बाहर आ जाएगा और फोर लूप के बाद में जो भी कोड है उसको वही कंटिन्यू करेगा। ठीक, सो आई होप यहाँ पर आपको फोर लूप है जो अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, इस कोड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा इसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।